The Invisible Man, Chapter 17, हिंदी समरी। डॉक्टर कैंप को द जॉली क्रिकेटर्स में गोली चलने की आवाज़ आई, पर उन्होंने उससे ध्यान हटा लिया और अपना काम शुरू कर दिया। एक घंटे बाद उनके घर की घंटी बजी तो उन्होंने सोचा कि कोई खत भेज गया होगा, पर नौकरानी ने कहा वहाँ तो कोई था ही नहीं, शायद किसी बच्चे की शरारत होगी। पर इस बात ने उन्हें परेशान कर दिया क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पर थोड़ी देर बाद वह अपने काम में लग गए और 2 बजे अपना काम ख़त्म कर लिया और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ जाने लगे, तभी उन्होंने देखा मैट पर खून का धब्बा है। वह सोचने लगे यह यहाँ कैसे आ गया, और जब वह अपने कमरे में वापस आने लगे तो देखा कि दरवाजे के हैंडल पर भी खून का धब्बा था। और वह अंदर गए तो देखा वहाँ पर तो बहुत सारे खून के धब्बे थे और वहाँ कोई उनका नाम भी ले रहा था। तभी उन्होंने खून से लथपथ एक पट्टी को हवा में उड़ते देखा। वह उसे पकड़ने आगे बढ़े ही थे कि किसी चीज़ ने उन्हें रोक लिया। तभी एक आवाज़ आई, वह एक अदृश्य आदमी है। पर डॉक्टर कैम्प को विश्वास नहीं हो रहा था। तब अदृश्य आदमी ने कहा कि मेरा नाम ग्रिफिन है और वह भूखा है, उसने विस्की, खाना और कपड़े की मांग की। डॉक्टर कैम्प पूरी तरह से आश्चर्य से भर गए थे क्योंकि यह सब उनके साथ पहली बार हो रहा था। तब डॉक्टर कैंप ने पूछा कि तुम अदृश्य आदमी कैसे हो गए, पर वह शांत रहा। ग्रिफिन ने फिर मिस्टर मालो के बारे में बताया और वहाँ तक आने की कहानी सुनाई और कहा वह भूखा है और थका हुआ है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड